स्टार्क स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाएं और नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आया है स्कूटनी के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के पेपर में आया था कि स्कूटनी के रिजल्ट को लेकर भटक रहे हैं इंजीनियरिंग के छात्र। तो दोस्तों बिहार बोर्ड काफ़ी परेशानी बरत रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्कूटनी के रिजल्ट नहीं दे रहा है जितने भी इंजीनियरिंग में छात्र पास हो गए हैं, और बहुत से छात्रों का नहीं आया है दोस्तों, अभी भी अवेटिंग दिखा रहा है। तो इसी वीडियो में जानते हैं कि क्या आया हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से न्यूज़, और उन सभी छात्रों का मिलेगा रिजल्ट कि नहीं मिलेगा, सभी चीज़ों की जानकारी मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दो, और एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड कार्यालय संवाददाता यानी ऑफिस से, बिहार बोर्ड ऑफिस से यहाँ पर खबर आया है कि विक्की कुमार रोल नंबर इतना और रोल कोड इतना दिया है, 12 जून को स्कूटनी के लिए आवेदन किया था, 12 जून को ही आज 5 जुलाई या 6 जुलाई हो चुका है। दोस्तों जेई मेन के माध्यम से एनआईटी पटना में विक्की को नामांकन लेना है, एनआईटी पास हो चुका है, जेई मेन क्वालिफाई कर चुके थे। यहाँ पर बता दिया है कि बोर्ड ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को रिजल्ट 19 जून के बाद देने को आश्वासन दिया था, यानी बोल दिया था कि जितने भी छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग में पास है और अगर वो स्कूटनी करते हैं तो उनका रिजल्ट 19 जून के बाद हर हाल में दे देगा। लेकिन अभी तक 5 से 6 जुलाई हो चुका है, अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है बिहार बोर्ड से, लेकिन अब भी सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं, वेटिंग बता रहा है, मतलब वेटिंग अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। विक्की ने बताया कि 5 जुलाई को एनआईटी पटना में नामांकन के लिए उसे इंटर का अंक पत्र देना है, पर अब तक नहीं मिला, वो कैसे ले पाएगा यार, क्योंकि उसको 60% चाहिए रिजल्ट। कुछ ऐसा ही हाल छात्र मोहम्मद तनवीर हसन का है, उसने बिहार इंजीनियरिंग को क्वालिफाई कर लिया है, स्कूटनी का रिजल्ट न मिलने से परेशान तनवीर बोर्ड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। रोज़ बोर्ड में प्रदेश भर से, मतलब पूरे बिहार से सैकड़ों छात्र अपनी शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी उसको जानकारी नहीं देता है, आश्वासन देता है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ जानकारी नहीं दे पाता है। दोस्तों तो आप ही लोग बताओ यार क्या करना चाहिए बिहार बोर्ड को, यहाँ पर तो कुछ जानकारी नहीं आ रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से, कोई भी अधिकारी बताने को नहीं चाह रहा है कि ये रिजल्ट कब आएगा, आखिर कॉपी भी चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत से छात्र अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा, तो यार उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट देने वाला नहीं है बिहार बोर्ड, काफ़ी पागल हो चुका है। बहुत से छात्र अभी वेटिंग है दोस्तों, बहुत से कोई मतलब 100 छात्रों का देखा तो 80 लड़का का वेटिंग ही दिखा रहा है, मात्र 20% लड़का का, वो भी चेंज हुआ है तो कुछ भी मतलब नो चेंज दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है यार बिहार बोर्ड में, आप ही लोग बताओ यार कमेंट के जरिए, अगर जो भी लोग चेक कर लिए हैं वो ज़रूर कमेंट करना, जो नहीं चेक किए हैं अभी तक ज़रूर कमेंट में बताना कि वेटिंग बता रहा है मेरा, तो हो सकता है जल्द ही आप सभी का रिजल्ट आ जाए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला था दोस्तों, तो आप सभी को जान लिया होंगे कि रिजल्ट जो है अभी भी नहीं आ रहा है स्कूटनी का, और बहुत से छात्रों का आ भी चुका है, और अपना चेक करते रहो यार, कहीं बढ़ जाए नंबर, अभी भी चेक हो ही रहा है। बिहार बोर्ड ने एक दिन पहले बताया था कि अभी भी इंटरमीडिएट का स्कूटनी का रिजल्ट चेक हो रहा है, जारी हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा, चलिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।